अफसाना, वेलकम टू IW एंड बस। इवन नो आपके एविक्शन को लेकर कई सारे बस भी हुए, ऑडियंस ने आपके लिए ट्विटर पे आपको ट्रेंड भी करवाया था, दे वांट यू बैक आल्सो। सबको ये भी उम्मीद थी कि आप वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर वापस आ सकती है, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे? जो भी हुआ मेरे साथ अनफेयर हुआ है, तो दूसरी बात लोगों को पता ही चल चुका कि मेरी वीकनेस का, मैं जो मेडिसिन खा रही थी, एक मेरी मेडिकल कंडीशन का उन लोगों ने फायदा उठा के मेरे से टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया और मेंटल भी बोला मुझे शमिता आंटी ने। सो बोल के वो फिर ओवर एक्टिंग कर रही, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे ऐसे कर रही। और मैंने बोला इतनी तुम बोली हो नहीं है और एक्टिंग वाला फ्लेवर निकाल के मेरे से बात कर। और क्योंकि हम एकदम से, मैं अकेली थी और फर्स्ट दिन भी मैं हारी हुई थी, वो भी मेरे अंदर रोना था क्योंकि इन लोगों ने आके मुझे अकेले घेले ने उस दिन भी मुझे टॉर्चर किया। जो नेहा आई थी 2 दिन में, बकरी, खुद बकरी जैसा उसका मुंह है, मुझे बोली आपको बकरी की तरह बांध के रखा है एंड मोमेंट पे और आपको लेके नहीं गया उमर। ठीक है उसको किसी ने भर दिया, नहीं लेके गया, अरे मैं उसको अभी मैं उसके पीछे पड़ जाऊं, मिनते करूँ या लड़ाई करूँ, मेरे से नहीं वो होता है ना। तो मैं सच के लिए होती हूँ, मैंने बोल दिया था कि भाई मैंने तेरे लिए ए किया और आगे जाके 5 जोन में VIP जोन में जाके तेरे साथ खड़ूंगी और किसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन आई कि हम दोनों में से एक ने बाहर निकलना है तो मैं आऊंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ जो करती हूँ वो निभाती हूँ। और मैं लकी भी हूँ तेरे लिए, हम बहुत बार जंगल के मुख्य घर में भी एंटर हुए हैं, बहुत सारे टास्कों में हम इकट्ठे हुए हैं। तो पर उन लोगों ने कई लोगों ने जो जिन लोगों को मैं भाई मानती थी, उन लोगों ने, जैसे करण ने, मैं एक वीडियो क्लिप सुना जब उसको समझा रहा था कि अफसाना कहीं ना कहीं वीक है तो उसको ले जाने की जरूरत नहीं, निशांत को ले। तो वो चीज ना दुख पहुंचाती है कि जिनको आप अच्छे दिल से भाई मानते हो और वो पीठ पीछे आपके क्या बोल रहे हैं। इट्स ओके, उसने बोल दिया और उसकी मैं भाई मान रही हूँ, मेरे दिल से माना और दिल से बोल रही हूँ। दूसरी बात, कोई सामने वाला आपके साथ बदतमीजी कर रहा है और पागल है, आप उसको देख के पागल और बदतमीज हो जाओ तो वो और उसमें और आप में फर्क नहीं रह जाता। तो ओवर जब कोई मेरे से करता है तो फिर उसका नतीजा आपने बिग बॉस में देखा ही है। जैसे शमिता आंटी वो ओवर एक्टिंग करती थी, उंगली उसकी फ्रैक्चर हुई हुई चलाती थी, जिसकी फ्रैक्चर हुई होती होती उसकी तो हाथ ही नहीं उठता। वैसी पहली बात तो ये है। तो बहुत ओवर एक्टिंग, उसने टॉर्चर बहुत किया मुझे उस राउंड के लिए, अपने भाई को पीछे लगा दिया, सिम्बे को पीछे लगा दिया, वो राउंड टीवी पे नहीं दिखाया गया, नेहा को पीछे लगा दिया, बाथरूम में राजीव जाता है, मैं बोला कि कपड़े झाड़ के दिखा रही हूँ भाई, अब इससे आगे के मैं अपने कपड़े उतार दूं, मैंने ये बात बोली, मैं नहीं मुकरती इस चीज को। उससे बोलने पे क्या है, इनकी बहन तो खुद सब इतने कपड़े पहनती है, मैं तो वो पहनती भी नहीं हूँ, इतना कपड़े उतारने पे भी क्या दिखना था, खुद वो इतना डीप गले पहनती है और दिखाती है। मेरा बात का मुद्दा बना लिया, मेरे को घंटा फर्क नहीं, मेरे को भी पता है मेरा परिवार है, मेरे को भी पता है मेरा भाई है, मेरे को भी पता है मेरी शादी होनी है। तो इतनी बुरी बात बोली होती तो मेरे को तो मेरे ससुराल वाले नहीं छोड़ते, पहली बात तो है ना, 100 कुछ सोचना पड़ता है। सो फेक चीजें नहीं, बात मुझे आती तो जो शमिता आंटी उस शो में कर रही है, सबको उंगली पे चला के मेरी तरफ चलो। अभी आगे जैसे गेम बढ़ेगी ना, जिस भाई ने उसके भाई ने, मैंने राजीव की मिनते की, हम दोस्त हैं भाई, टास्क में आज रूल में नहीं लिखा कि पार्टिसिपेंट। पर अफसाना, हमने ये भी देखा है कि आपका और राजीव का स्टार्टिंग में काफी अच्छा जमता था, आप दोनों काफी एक दूसरे का टाइम पास करते थे बैठ के। मैं बोल रही हूँ कि अच्छा चलता होता है, अच्छे चलते को बिगाड़ने वाला कोई ना कोई आ जाता है। उसमें आई उसकी बहन, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, आखिर उसकी बहन ही उसके लिए थी, क्योंकि उसने बोला कि जाने नहीं देना उसको पागलों की तरह, वो बोल रहा है रूल बुक लाओ। रूल बुक में कहाँ लिखा, किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा कि आउटसाइड पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो आउट हो गए हैं। तो वो वैसे भड़क चुके थे कि अफसाना आज अंदर जाने वाली, अफसाना को जाने नहीं देना। उसने बोला सिम्बा उसको रोको, सब मेरी हेल्प करो, तो वो हुआ, इसकी वजह से मेरी वो कंडीशन हुई है। और मैं उन्होंने उस मेरी वीकनेस का फायदा उठाया और नाइट मैंने ऐसे खड़काने के लिए बुलाई किसी और जय को मुद्दा नहीं थी मिल रहा और बाहर से लोग आ रहे थे कि तेरे को तू बोलता नहीं है, तू कुछ करते नहीं। उसने नाइफ उठा के बिग बॉस हमें मार देगी, हमें ये कर देगी, ओवर एक्टिंग करके उसने हाईलाइट किया है। हालांकि शमिता शेट्टी आंटी भी सीजर लेके आई थी मैप काटने के लिए। सीजर तो अलाउड नहीं है, वो भी तो औजार है। मैंने भी औजार उठाया, कड़छी भी उठाई मैंने, ठीक है। प्रतीक ने मिरर तोड़ा, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ी। दूसरी बात, प्रतीक ने गेट खोला लड़की का, है ना, कोशिश की, जब खोला बाथरूम नहाती हुई तब ने कोई आउट किया। स्विमिंग पूल ने सिम्बे ने पानी में फेंका उमर को, तब ने किसी ने आउट किया। अफसाना ने कौन सा कत्ल कर दिया था, जैसे फटाफट उन्होंने अपना रिजल्ट सुना दिया। उनको मेडिकल रूम में ले जाना चाहिए था मुझे, और पूछना चाहिए था, रेस्ट देना चाहिए था, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए था कि आगे कंटिन्यू करना चाहती हो या नहीं करना कर सकती हो। अगर ऐसे ऐसे आपका बिहेव हो रहा है तो वो मेरे पे था, तो ऐसा नहीं हुआ। एकदम से सुनाया और आउट कर दिया। आउट होने का मुझे जरा दुख नहीं। मेरी गरारी अड़ी हुई थी, मैं जिद पे अड़ी हुई थी कि दो बंदे बाहर जाएं उस चीज के मेरे कारण। तो मैं उन फेक पीपलों के बीच में रहना भी नहीं चाहती थी, मैंने खुद पहले बोल दिया था। अफसाना, जब आप घर से बाहर निकली, क्या आपकी बात क्रिएटिव से हुई, क्या चैनल वालों से आपकी बात हुई इस बात को लेकर कि किस तरह से फैंटेसी से आपको इंस्टिगेट किया था? मैं बात कुछ भी, अभी भी कुछ भी हो सकता है। जनता मेरे को इतना प्यार कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो लाइक मैंने बात बूत नहीं की। मैं खुद थोड़ा ठीक नहीं थी, क्योंकि एकदम से आपने कुछ देखा नहीं होता है इन दिनों, इतने दिनों में से, तो आप आते हो। ऊपर से मैं इतना रो के बाहर निकली थी, तो मैं ठीक नहीं थी। तो मैं 3-4 दिन तो गुम थी, मुझे कोई होश टाइप नहीं था, हॉस्पिटल भी थी मैं, तो दैट्स व्हाई ऐसा कोई मैंने बात नहीं की। ये भी देखा था कि जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम सलमान खान ने आपको चिल्लाया था, तो वो बात को लेकर आपको कई बार घर वालों ने ताना भी सुनाया था। वो एक ही चीज को लेकर, वो आपको लेकर हमेशा टारगेट भी करते थे। उस पे क्या बोलना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि घर वालों ने आप लोग आपका एक बार भी साथ नहीं दिया, या आपको समझने की कोशिश नहीं? मुझे घर वालों के साथ की घंटा जरूरत नहीं थी, मैं अकेली थी, अकेली रहूंगी। बात होती है ट्रस्ट की, जिस पे आपने कर लिया वो टूट गया, चलो टूट गया थोड़ा, इट्स ओके तो सलमान भाई ने समझाया। समझाने के बाद शमिता तो मुझे बोलती, तुम तो बोलो मत, तुझे सलमान ने समझाया है। तो मैंने बोला, मैं मुंह चुंगलियां लेके बैठ जाऊं अब इस शो में, बोलू ना, क्यों ना बोलू? मेरा तेरी आइसक्रीम चोरी होती, तुम तो बोलती है बुलशिट फलाना ये वो ऑर्डर बर्डर। उसने तो बिग ब्रदर समझ रखा है, इतनी इंग्लिश बोलती है। और मेरा कुछ भी चोरी हुआ खाने वाला, मैं रोटी नहीं खाती थी, ऊपर से मैं मेडिसिन खाना होता है, तो मैं कुछ पपीता मेरा घूमा, तो तुम पपीते के लिए क्यों बोल रही हो? क्यों भाई, हम बोले ना, तुम बोले तो बोले, ऐसा बिहेव करती थी। और मैं उस पे चलने वाली नहीं थी, इतनी नेगेटिव आंटी है ना वो, उसका घर बैठने का टाइम है। बट अफसाना ने ये भी देखा है कि घर में सब एक साथ एक के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो उसको आउट करवाते हैं। बेड़ चाल बहुत था। डोनल और बिदी के साथ हुआ, बेड़ चाल है ये। और आपके साथ भी ऐसी हुआ है अगर देखा? अभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ, अभी उमर के साथ ऐसा होने वाला है। उमर के छिपड़े हुए, उमर एग्रेसिव है भाई। उस घर में एग्रेसिव भी चलेगा, प्यार भी चलेगा, रोमांस भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। अकेली शमिता आंटी थोड़ो चलेगी, ऐसे आ जाती है करती। अपना तेरा शो थोड़ा है कि तेरा भाई भी बुला ले, तेरा बॉयफ्रेंड भी बना ले तेरी। ये बात बहुत सही है कि शमिता शेट्टी को कई सारे सपोर्ट मिल गए। उनके भाई आ गए, उनके भाई है जैसे की राकेश, उनकी दोस्त नेहा है, उनके बॉयफ्रेंड भी आ गए थे। तो क्या आपको लगता है कि शमिता शेट्टी काफी ही सेफ जोन में खेल रही है? सबको दिख रहा है, इतनी फैसिलिटीज। OTT खेल के आई है, 1 महीना हो गया पूरे अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। OTT में इकट्ठे रहे वो, OTT में इकट्ठे रहने के बाद इतना कौन सा उसको 6 महीने का बिग बॉस में हो गया था रहते हुए कि उसको जल्दी उसका राकेश चाहिए था। तो उसको 3-4 वीक्स बाद उसको फिर राकेश बदला दिया। क्यों भाई, हम भी तो किसी को मिस कर रहे हैं, हमारे भी तो पेरेंट्स फैमिलीज हैं, कोई और थीम रखो। ये तो बोर हो रहा है इस बार शो जो अच्छे इस बारे पता नहीं क्या हो गया कि बिग बॉस को लोगों की परख नहीं हो रही, किसको निकालना है किसको रखना है। जो लोग चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जो बिग बॉस चाह रहे हैं वो हो रहा है। I'm right ना? Yes, definitely। अफसाना, हमने ये भी देखा है कि घर में अब लव स्टोरी को लेकर लव स्टोरी एंगल को लेकर लोग खेल रहे, जैसे कि करण तेजस्वी, शमिता की, तब राकेश भी आए थे, तो लोग में लव एंगल्स ज्यादा क्रिएट हो रहे कंटेस्टेंट्स के बीच में। उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैंने जैसे कि बिग बॉस कभी नहीं देखा लाइफ में, कभी भी। जितने जितने वीडियोस आते रहते ना, एक एक सेकंड के, एक एक मिनट के, वो देखे। कभी पर्सनली बैठ के आप भी तक पहुंच गई। मुझे आज 8-10 दिन हो गए, मैंने खुद अपना एपिसोड नहीं देखा। तो क्या हुआ कि ये सब लोगों को ना ऐसा ही लगता है कि शायद प्यार में पढ़ के देख के आए हैं, या फिर इस चीज में पढ़ के ऐसा कर सकते हैं, तो शायद इसी चीज में खुद का अपना भी कुछ होना चाहिए, खुद अपना क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कर रहे, भेड़ चाल है। जैसे देख के आगे उसने जोड़ी बनाई, वो काम करते हैं। कोई, मेरे को तो लगता नहीं किसी की शादियां हुई हैं, या फिर किसी की निभी है, या कुछ हुआ है। सब ये पकड़ लेते हैं और बाद में काम करके, मतलब निकाल के एक दूसरे को लात मारते। उसके बाद दिखते नहीं कहाँ है, ना तो मुझे विनर दिखते हैं आज तक किसी भी शो के। तो दैट्स व्हाई विनर तो मैं इसीलिए बनना नहीं चाहती थी कि विनर बन के तो कोई दिखता ही नहीं है। तो ये आप भी इस चीज को मानना। इसीलिए मैंने सोचा हुआ था कि मैं किसी भी रियलिटी शो में कभी भी गई, मैं विनर नहीं बनूंगी, क्योंकि मुझे दिखना है। ऐसा नहीं कि मुझे दिखना नहीं, खत्म होना है। खत्म होना है तो क्यों जाना इतना रियलिटी शो में, और परिवार से भी दूर रहना, और बहुत सारी चीजों को हैंडल करना पड़ता है, और पीछे अपना काम भी छोड़ के जाना पड़ता है जब दिखना ही नहीं है। तो मेरी थिंकिंग कुछ अलग है। तो इसीलिए मैं कोई प्यार व्यार के चक्कर में या कुछ किसी में नहीं। मैं भाई बहन का रिश्ता जो कोई बनाता तो ठीक है, निभाता फिर भी ठीक है, नहीं निभाता तो कोई बात नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। लाइफ निकलती रहती है, चलती रहती है। अगर वो आज भाई बन गया तो क्या हुआ, पिछला बैकग्राउंड देखो आप, अकेले थे, कौन था आपके साथ, कोई नहीं था। तो मैं इतना सोचती हूँ। तो अफसाना, अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे जो एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस बन गया है इस शो के जरिए? मैं सबको कहूंगी कि सच का साथ दो और अपना व्यू रखो। तो अगर आप बिग बॉस देख रहे हो तो आप सही को सही, गलत को गलत बोलो, और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा उसके लिए लिखो कि इसको नहीं रखना चाहिए। पर बिग बॉस सुन ही नहीं रहे, सब लिख तो रहे हैं लोग। तो देखो क्या होता है, और आप प्यार करते रहो मुझे। मैं चाहे बिग बॉस घर से बाहर हूँ, चाहे मैं अंदर हूँ, गाती रहूंगी, हंसाती रहूंगी। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, इट इज अफसाना खान। और स्नैपचैट में अपडेट रहती हूँ @afsana987। और आप कहीं भी आके मुझे देख सकते हो। आप मुझे देखना ही चाहते हो, प्यार करना चाहते हो तो आ सकते हो। तो मोस्ट वेलकम। एंड मैं बिग बॉस से भी ज्यादा इंटरटेन मैं अपनी स्नैपचैट पे और इंस्टाग्राम पे करती रहती हूँ और खुश रहती हूँ अपनी लाइफ। थैंक यू अफसाना अपना टाइम देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय।